जल्द ही फिर शुरू होगा शहर का महात्मा फुले सब्जी मार्केट, महापौर ने दिया आश्वासन। शहर में कोरोना वायरस बढ़े नहीं, इसी मुख्य उद्देश्य से शासन की ओर न चाहते ही कुछ निर्णय लेने पड़ रहे हैं। लॉकडाउन हो या पूरे देश में कलम 144 लगाना, जिसे शहर में लोगों की भीड़ ना हो, ऐसी एक निर्णय शहर के कॉटन मार्केट के लिए लिया गया। ये मार्केट शहर का सबसे पुराना मार्केट है। यहाँ रोजाना शहर के आसपास के गांव में रहने वाले किसान अपनी सब्जी बेचने आते हैं। जब से शहर पर कोरोना का कहर पड़ रहा, तब से सभी भीड़ वाली जगह शासन बंद कर दी। इसमें शहर के सभी धार्मिक स्थले भी शामिल है। कॉटन मार्केट सब्जी का व्यापार होता है और सब्जी अति आवश्यक वस्तुओं में आती है, इसीलिए शासन ने 29 मार्च से 2 दिन के लिए ये कहकर बंद कराया है कि परिसर में औषधि का छिड़काव करना है, मगर आज 2 तारीख तक उसे शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई। वहां के व्यापारियों ने महापौर संदीप जोशी से गुहार लगाई। जोशी ने गुरुवार को व्यापारियों की भेंट लेकर उन्हें आश्वासन दिया कि ये बाजार जल्द ही शुरू किया जाएगा। व्यापाऱ्यांच्या या ठिकाणी अनेक समस्या आहे। दुर्दैवाने प्रशासनाने काही कठोर निर्णय घेतले पाहिजे, परंतु ते इम्प्रॅक्टिकल नसले पाहिजे, ते प्रॅक्टिकल निर्णय असले पाहिजे। एकीकडे आपल्याला करोनाला हद्दपार करायचं आहे, परंतु करोनाला हद्दपार करता करता तुमच्या माझा जर भागातला व्यापारी असेल, सर्वसामान्य माणूस असेल, तोच जर हद्दपार होणार असेल तर त्याला काही अर्थ नाही आहे। आणि त्यामुळे प्रशासनाने निर्णय घेतला की कळमण्याचं त्यांनी डिव्हिजन केलं। अनेक भागांमध्ये आता आजपासून मार्केट लागलेले आहे। या ठिकाणच्या मार्केटचे मी आज प्रशासनाला निर्देश दिलेले आहे की या ठिकाणी आतमध्ये गाड्यांचा प्रॉब्लेम आहे तर त्याच्यावरती रिस्ट्रिक्शन्स टाकावं, परंतु यांना या ठिकाणचं मार्केट उद्यापासून हे सुरू करून द्यावं। अनायसे 10 ठिकाणी डिव्हिजन झालं असल्यामुळे या ठिकाणची गर्दी ही कमी राहणार आहे आणि ते त्यांनी मान्य देखील केलेलं आहे। मला असं वाटतं की उद्यापासून हे सुरू राहणार। हमारी टीम ने बाजार समिति के अध्यक्ष शेख हुसैन से बात की तो उन्होंने बताया कि कलमना बाजार पर शासन नियम लगाए हैं, हम भी नियमों का पालन करने के लिए तैयार है, सिर्फ बाजार शुरू करने की अनुमति दी जाए क्योंकि इससे किसानों का नुकसान हो रहा है। कोरोना वायरस को लेकर जो देश में चल रहा है वो हम सब लोगों के लिए जितना भी कठोर से कठोर होगा उसमें हम सब लोग मानने के लिए तैयार है। हमारा ये सब्जी मार्केट 70-80 साल का पुराना मार्केट है। अब बीच में सब मार्केट बंद हो गए, कलम ना बंद हो गए, यहाँ गर्दी हो गई। हमको म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने और बाकी कारपोरेशन ने बोली कि भाई 2 दिन तुम्हारा मार्केट बंद रखो। हमको दवाई छिड़कने हमने 2 दिन मार्केट बंद रखे, लेकिन जो 31 तारीख से मार्केट शुरू हो जाना चाहिए था वो शुरू नहीं हुआ। आपने कलम ना शुरू कर दिए, आपने और भी 10 जगह में शुरू कर दिए। उस तरीके से आपके जो भी नियम होंगे, जो आप जिस तरीके से बताएंगे उसका हम पालन करेंगे। और ये सब्जी मार्केट भी शुरू रहना चाहिए, कम से कम काश्तकारों का तो नुकसान ना हो। काश्तकारों का आज नुकसान हो रहा है, वो बेचारा आज हमको रोज बोलता है तो हम क्या करेंगे ना। तो इस तरीके से आपने भीड़ कम कर रहे हैं और 10 कर रहे हैं, और 10 कर दो लगे तो 20 कर दो। लेकिन सब्जी मार्केट जो है इसको बंद करने का कोई तुक नहीं है। और यहाँ पर भी अभी अब सब बंद है तो कोई कहीं से घुस ही नहीं रहा है ना। और 2-2, 5-5 गाड़ी जितनी गाड़ी आप बोलेंगे, जैसे कलमना में आप 100 गाड़ी जा रही है, अब रेशम बाग में तो 200-300 गाड़ी आ गई। आप यहाँ भी जितनी गाड़ी बोलेंगे उतनी गाड़ी अलाउ करेंगे, जितने आड़तियाँ बोलेंगे उतने आड़तियाँ धंधा करेंगे। और डिस्टेंस और 6-8 एकड़ में हमारा ये मार्केट है ना, कोई जगह थोड़ी कम है। फैला के हम माल बेचेंगे, सिर्फ मैदानी थोड़ी है ना, 8 एकड़ ज़मीन है ये। तो ये मार्केट शुरू होना चाहिए, ऐसी हमारी सारे जितने प्रशासक है सभी लोगों से हमारी विनंती है। और हर सब लोगों की जीवन जान बचाना ये हमारी सबकी जवाबदारी है ना, हमारी भी तो जान है, सब लोगों की जान है मार्केट में करने वाली। महापौर साहब ने आश्वासन दिया है, हम नितिन राव साहब से भी मिले हैं ना, और भी लोगों से मिले हैं। उन लोगों ने हम बोल के अभी हम कमिश्नर साहब से, जोशी साहब से, डीएम साहब से मिल के भी आए। वो बोले आप अपना प्लान दे दो, हम देख मिला भाई प्लान क्या, आप जो दो हमको प्लान दे दो ना, ठीक है हम जो भी है बना के दे देंगे प्लान, लेकिन नियम तो उनको ही बनाना है ना, उसके आधार पर हम काम करेंगे। उन्होंने भी हमसे वादा किए, नितिन राव साहब पालक मंत्री है, हमने उनसे कहा है कि भाई ये 80 साल का मार्केट है, बंद नहीं होना चाहिए, शुरू होना रहना चाहिए। जो भी नियम होंगे कॉर्पोरेशन जो सरकार बोलेंगी हमको मान्य है और हम सहयोग करने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।